Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. समय बीता और इस कथा में एक नए पात्र का प्रवेश हुआ जिनका नाम था स्पर्श। महाराज स्पर्श माता आदि शक्ति के महान भक्त थे। माता की कृपा से महाराजा स्पर्श एक समृद्ध राजा थे। वो केवल एक ही सुख से वंचित थे। महाराज, आपकी भक्ति अद्भुत अतुलनीय है। आपने स्वयं अपने हाथों से रात्रि भर माता के लिए चुनरी बनाई। माता रानी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। माता की सेवा और उनकी भक्ति मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। माता की असीम कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है। यदि मां हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जय माता रानी की। जय माता रानी की। जय माता रानी की। जगत की पालनहार है माँ, भक्ति का आधार है माँ। माता रानी का स्वरूप इतना दिव्य और ममतामयी है कि उनका दर्शन पाते ही उनकी भक्ति में और लीन होता चला जाता है। महाराज स्पर्श की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ होने पर भी रिक्त था उनका संसार, तो क्या माता रानी की कृपा हुई उन पर? माता रानी की कृपा जब बरसती है तो झोली छोटी पड़ जाती है। महाराज स्पर्श की झोली भी खुशियों से भरने वाली थी। जय माता दी, 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 जय माता दी। महाराज तो माता की भक्ति में इतने लीन है कि ना इन्हें दिन की न रात की सुध-बुध है। कितने दिन ऐसी भक्ति में बीत गए। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। जय माता दी, 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 जय माता दी। माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम। पुत्र स्पर्श, तुम्हारी भक्ति ने मेरी ममता को जागृत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा बोलो पुत्र। आपकी कृपा से सब कुछ है। बस एक संतान की कमी है माँ। हमारी झोली एक संतान से भर दीजिए माँ। संतान से भर दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। शीघ्र तुम्हें एक नहीं अपितु दो पुत्रियां प्राप्त होंगी। किंतु जब तुम्हारी दूसरी पुत्री का जन्म होगा तब तब तुम्हें एक महान त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो नियति जगत कल्याण के लिए तुमसे चाहती है उस त्याग में
संकोच मत करना, पितृभावना में बह कर उसका विरोध मत करना, स्वीकार करना उसे, उससे संसार का ही नहीं अपितु तुम्हारी पुत्री का भी बहुत कल्याण होगा। माँ, आप धन्य हैं, माँ आप धन्य हैं। विशद लोचनी चारी त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रय। माता ने हमारी सुन ली, माता ने हमारी सुन ली, माता रानी ने हमारी सुन ली। जय माता रानी की। और शीघ्र माता के आशीर्वाद से महाराजा स्पर्श को उनकी प्रथम पुत्री प्राप्त हुई। तेजस्वी है, भाग्यशाली है महाराज आपकी पुत्री। इसके आने से राज में समृद्धि, संपदा और सौभाग्य की वर्षा होगी। इतना ही नहीं, जिनसे राजकुमारी का विवाह होगा वो भी महान राजा होंगे और उनके प्रताप की ख्याति युगों युगों तक रहेगी। मुझे इसका भाग्य सितारे के समान चमकता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमें इसका नाम रखना चाहिए तारामती। तारामती, मेरी प्रिय पुत्री तारा, मेरी प्रिय पुत्री तारा। तारा के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद रुक्मन का जन्म भी महाराज स्पर्श के उसी परिवार में हुआ, तारा की छोटी बहन के रूप में। और तब महाराज स्पर्श के सामने उस कठिन निर्णय की घड़ी आ गई जिसका उल्लेख माता रानी ने किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्री तारा की भांति इसका भाग्य भी उज्ज्वल होगा। क्या बात है पुरोहित जी, कोई चिंता का कारण तो नहीं? क्षमा करिए महाराज, अशुभ घड़ी में जन्म हुआ है आपकी इस पुत्री का। यदि ये आपके राज्य में रहेगी तो। हमारे राज्य में क्या पुरोहित जी, स्पष्ट कहिए। तो ये राज्य में संकट लाएगी। दुर्भाग्यवश इसकी राजभवन में उपस्थिति सारे राज्यवासियों के लिए हानिकारक होगी। महाराज, ये अन्य सभी के लिए नहीं बल्कि स्वयं अपने लिए भी घातक सिद्ध होगी। क्या इस दुर्भाग्य को टालने का कोई उपाय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, इसका एक ही उपाय है। बताइए पुरोहित जी। आपको अपनी इस दूसरी पुत्री का त्याग करना होगा। त्याग करना होगा। जब तुम्हारी दूसरी पुत्री का जन्म होगा तब तुम्हें एक महान त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो नियति जगत कल्याण के लिए तुमसे चाहती है उस त्याग में संकोच मत करना। माता, हे माता, त्याग करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। परंतु ऐसा क्यों है माँ? एक पुत्री का भाग्य ऐसा उज्जवल और दूसरी का ऐसा दुर्भाग्य, इसे स्वयं से दूर करना मेरी विवशता है माँ।
मेरी विवशता है। दुष्कर्मों का पाप अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, वहीं एक जन्म में किया गया पुण्य अनेक जन्मों के पाप को मिटा देता है। रुक्मन को यह जन्म ही मिला था अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए, इसलिए रुक्मन का त्याग अनिवार्य था। अपने नवजात पुत्री का त्याग कर दिया राजा स्पर्श ने। कभी कभी धर्म का पालन कठिन निर्णय लेकर ही संभव है। पुत्री का ध्यान रखिएगा, इसका जीवन अब आपकी शरण में है। मेरी विनती सुनिएगा माँ, मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा, इसकी रक्षा कीजिएगा माँ। माता के दरबार में कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करे और वो स्वीकार ना हो, ये तो असंभव है। तो वो टोकरी माता की कृपा से वहां पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी। किसी शिशु के रोने की आवाज। माने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली। ये देवी मां की कृपा है। ये देखो देखो, माता ने हमारी सुन ली। ये टोकरी कहां से मिली आपको? पहले देखो तो इसमें क्या है, ध्यान से। अरे बैठो तो, ये देखो। जब मैं अपने वस्त्र धो रहा था नदी किनारे, तब ये टोकरी मेरे सामने अचानक जल में ऐसे ढहर गई, जैसे जैसे ये बालिका मेरे लिए रुक गई हो। फिर तो मैं इसका नाम रुको रखूंगी। माता, आपका अनेकों धन्यवाद, आपने हमारी झोली भर दी। हे माता, आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया, अब मुझे अपने पुत्री के पोषण का सामर्थ्य भी दीजिए। पैसे अपना दुख पान कराकर इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। माँ, बस इतनी कृपा करना कि उसके भाग का आहार उस तक पहुंच जाए। हाँ माँ, उसे कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मेरी विनती सुन लो माँ, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ। रुक्मन को माता पिता का प्रेम भी मिला, नाम भी मिला पिछले जन्म जैसा। रुक्मन बनी रुक्को और तारा बनी तारामती, और दोनों अपनी बहनें होते हुए भी अलग अलग भाग्य लेकर आई थी। जय माता दी। एक राजभवन में बड़ी हुई, सदा देवी माँ की सेवा में रमी हुई, तो दूसरी को निर्धन की कुटिया में बड़ा होना पड़ा।
लेकिन माता पिता का अपार प्रेम मिला। बस पुत्री, मेरा भोजन हो गया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। पुत्री तारा, समय हो चुका है, अब तुम्हें जाकर विश्राम करना चाहिए। जी पिताजी। दूसरे का आभास भी था, क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों विवाह के बाद एक ही राज्य में पहुंचे, अयोध्या। तारा राजपुत्री थी तो उसका विवाह धर्म कर्म में निपुण अनेक महान पूर्वजों के वंशज हरिश्चंद्र से हुआ। क्या ये वही राजा थे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात है? हाँ, उस समय उनकी ख्याति पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादाओं पर अडिग रहने वाला एक राजा के रूप में थी। उन्हें भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनका जीवन बदलने का कारण बनने वाली है उनकी पत्नी महारानी तारा। महाराज की जय! 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 कालचक्र रुको और तारामती दोनों को वहां ले आया जहां पिछले जन्म में एक दूसरे से बिछड़ने के बाद उनका पुनर्मिलन होने वाला था। रुको का विवाह भी अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के राज्य में ही हुआ। महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे के परिचय से अनजान थी। भगवान उनका साथ अवश्य देते हैं जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.